नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात होगी बेहद दिलचस्प विषय की। विषय दिलचस्प इसलिए है क्योंकि आज बात हम देश के सबसे बड़े सूबे की करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहां पर पूरे देश की निगाहें, क्योंकि सबसे बड़ा चुनावी दंगल यही हो रहा है। आज हम बात उस विषय की करने वाले हैं जिस विषय को लेकर अपने आप में एक सवाल खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश का जिक्र आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक, बीजेपी के चाणक्य, बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुंकार भरी। निशाने पर विपक्ष था, लेकिन सीधे तौर पर वो योगी सरकार की जमकर पीठ थपथपा रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे किसानों के हित में सरकार ने, मोदी सरकार ने काम किए, योगी सरकार ने काम किए। लेकिन मैं आज गन्ने का जिक्र नहीं करूंगा, गन्ने के साथ साथ जिन्ना का भी जिक्र करूंगा। आप कहेंगे कि तिलक चावला आज जिन्ना की बात क्यों कर रहे हो? न्यूज वर्ल्ड इंडिया तो कभी जिन्ना की बात करता नहीं, हिंदू मुसलमान करता नहीं, तो फिर ये गन्ना के साथ जिन्ना क्यों ले आए? इसके पीछे एक आधार है। और यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि बात गन्ने की तो हो रही है, लेकिन क्या गन्ने के ऊपर चुनाव होगा या सिर्फ गन्ने के साथ जिन्ना जरूरी है? और जिन्ना किसके लिए जरूरी है और किसके लिए मजबूरी है? और जब जिन्ना आएगा तो फिर गन्ने की बात कहां होगी? ये बात आखिरकार क्यों? तो वो आप तमाम न्यूज चैनल्स पर इस वक्त देख रहे होंगे, हिंदू मुसलमान टकरा दो, लड़ा दो, भिड़ा दो। गन्ने का जिक्र कहां हो रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कहां हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि इतने वोट, इतने किसान, इतने जाट, इतने मुस्लिम। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो लगभग 136 विधानसभा सीटें आती हैं, 136 विधानसभा सीटें। और इन 136 विधानसभा सीटों का इतिहास मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि इन 136 विधानसभा सीटों में से लोकसभा की 26 सीटें हैं। और अगर जिलों के परिप्रेक्ष्य में 26 से 27 सीटें हैं, कुछ 26 बोलते हैं, कुछ 27 बोलते हैं। इन सीटों के इतिहास पे नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है। और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको यह महत्वपूर्ण पहलू समझ में आएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिहाज से, समाजवादी पार्टी के लिहाज से जरूरी क्यों हो गया है और क्यों आखिरकार माना यह जा रहा है कि किसान नाराज थे और इसीलिए किसानों की नाराजगी को खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें दूर करने के लिए तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ है, 2017 का विधानसभा चुनाव, जब यह विधानसभा का चुनाव हुआ 136 सीटों में से 109 सीट बीजेपी ने जीती थी, 109 सीट, और समाजवादी पार्टी के खाते में 21 सीटें आई थी उस वक्त। अब इसके साथ मैं 2012 के पन्नों को पलटता हूं, इन्हीं 136 विधानसभा सीटों पर 2012 का आंकड़ा बिल्कुल विपरीत हो जाता है, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी ने 58 सीटें जीती, जबकि बीएसपी के खाते में 39 और बीजेपी ने महज 20 सीटें जीती थी। 2012 में 20 सीटें जीती थी। यह जाटलैंड इसे कहा जाता है। और अगर 2013 में, क्योंकि 2013 का जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां मुजफ्फरनगर कांड, बीजेपी माना जाता है कि बीजेपी के पक्ष में तभी से माहौल बनना शुरू हुआ जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ, जाट और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम का जिक्र जहां किया जाता है। अब ऐसे में 2017 का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज बीजेपी के चाणक्य अमित शाह सीधे तौर पर संकेत दे रहे थे किसान बहुल क्षेत्र में। 2017 में आपको याद होगा सहारनपुर में देश के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा था कि 14 दिनों में गन्ने का भुगतान होगा,
और ऐसे में बीजेपी के साथ जनसमर्थन उमड़ा था। कोई चीनी मिले बंद नहीं होंगी, हां बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन क्या गन्ने का भुगतान हुआ इसका भी जिक्र जरूरी है और फिक्र जरूरी है। तभी मैंने गन्ना और जिन्ना का जिक्र किया था, गन्ना और जिन्ना। जिन्ना का जिक्र इसलिए क्योंकि जिन्ना किसके लिए जरूरी और किसके लिए मजबूरी, और गन्ना आखिरकार सिर्फ मिठास के लिए नहीं, राजनीतिक मिठास के लिए भी बहुत जरूरी है। अब इस बात को समझिए कि समाजवादी पार्टी ने भी यह तय कर दिया कि 7 तारीख को मेरठ में अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी मिलकर एक रैली करेंगे, साझा रैली, ताकि अखिलेश यादव इस बात को भाप चुके हैं कि इस वक्त मौके की नजाकत यह कहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसान नाराज है तो जाट साथ में आ जाए, मुस्लिम साथ में आ जाए और यादव साथ में आ जाए तो सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या इतना आसान बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा जैसे 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में होगा? मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, कुछ आंकड़ों का जिक्र भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक बयान आए हैं वो आपको सुनाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, जहां मेरे साथ चर्चा में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन पहले जल्दी से नजर डाल दीजिए राजनीतिक लिहाज से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है उसमें विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना मिलों को बंद कर अपने चट्टो बट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। इसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी हो, कहीं पर भी एक भी मिल भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है, बंद नहीं हुई। और मित्रों, हमने कहा था कि किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलेगा, और मैं आज बताना चाहता हूं कि अब तक 90% किसानों का गन्ने का भुगतान करने का काम हो चुका है और जो 10% का बाकी है वो भी इसकी प्रक्रिया चालू कर दी है। तो सुना आपने, सीधे तौर पर अमित शाह ने संकेत और संदेश देने की कोशिश की कि किसानों के हित में सरकार खड़ी है, किसानों के लिए सरकार खड़ी है और किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में तमाम सवाल ये भी खड़े हो रहे थे कि क्या ठीक चुनाव से पहले जो किसान आंदोलन को ठंडा करने के लिए बीजेपी ने कोशिश किया कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा। चर्चा यह आई कि आंदोलन खत्म होने वाला है, चर्चा यह आई कि किसान नेताओं में आपस में फूट पड़ गई, किसान नेता कुछ चाहते हैं कि यह आंदोलन जारी रहे, कुछ चाहते हैं कि बस अब यहीं रोक लिया जाए। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या बीजेपी के लिए इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर यह गन्ना जो है वो दिक्कत देगा, वो जाट प्लस मुस्लिम वाला फैक्टर जो है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है कि इस बार जाट प्लस मुस्लिम हो जाए। और जिन्ना की एंट्री इसलिए हो गई है क्योंकि अगर जाट प्लस मुस्लिम हुआ तो फिर बीजेपी को इससे नुकसान होगा, इसलिए जिन्ना जरूरी है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ, आपको बता दें आज हमारे साथ चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं मेहमान उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के युवा चेहरे संदीप द्विवेदी, जो तेज तरार अपने पक्ष को रखने के लिए जाने जाते हैं, दमदार तरीके से अपना पक्ष रखते हैं। साथ ही ऐसे ही मेरे साथ एक तेज तरार प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं जो कि शिल्पी चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है, यह भी अपनी बेबाक राय के लिए तमाम न्यूज चैनल्स पर आप इन्हें देखते सुनते हैं। साथ ही भूदेव शर्मा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, पार्टी के युवा चेहरे हैं, बेबाक अंदाज से अपनी बात रखते हैं,
ठोक बजाकर कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, और साथ ही एके मिश्रा। एके मिश्रा वैसे राजनीतिक गलियारों में आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। ब्राह्मण जी आजकल जो है वो राजनीतिक भविष्यवाणियां जिस अंदाज में कर रहे हैं उससे कई बार कांग्रेस भी नाराज हो जाती है, तो कई बार बीजेपी भी और कई बार समाजवादी पार्टी भी। आप देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर इनकी राजनीतिक भविष्यवाणी क्या कहेगी। एके मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, भूदेव जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, और शिल्पी जी आपका भी। कुछ ही देर में हमारे साथ सबित मलिक ज्वाइन करेंगे जो कि किसान नेता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, खतरा टल गया है या फिर अभी खतरा बाकी है? जीतने में विश्वास रखती है और हम जीतते हैं और हम लगातार जीत भी रहे हैं। इसका कारण यही है कि क्योंकि हम जनता के विश्वास को जीतते हैं तो जनता हमें जिताती है। और अगर पिछले मतलब जितने भी कार्यकाल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी का 5 साल का कार्यकाल हो या केंद्र सरकार में मोदी जी का 7-7.5 साल का कार्यकाल हो, हमने कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर काम किया है जिन पर जनता को जरूरत थी, जनता के साथ खड़े हुए, उनकी बेसिक समस्याओं को एड्रेस किया। और वो चाहे देश से जुड़ी हुई समस्या हो या गरीब की समस्या हो, सभी तरह की समस्याओं को हमने दूर करने का प्रयास किया है। बाकी जिनके पास मुद्दे नहीं हैं वो आप कहीं जिन्ना का नाम ले रहे हैं, कहीं वो मौसम के हालचाल बता रहे हैं, यही बचा किसान आंदोलन मुद्दा नहीं है। जनता के हित की बात करने का समय तो है नहीं उनके पास। नहीं नहीं, जिन्ना पे तो आऊंगा, जिन्ना जिन्ना संदीप भाई जिन्ना पे तो आएंगे हम, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि किसान आंदोलन अब मुद्दा है कि नहीं, खत्म हो गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे। किसान जी मैं चाह रहा हूं कि आपसे पूछना कि किसान आंदोलन का मुद्दा जो है वो है अभी या खत्म हो गया? देखिए, किसान आंदोलन का असर है या नहीं है ये बहुत जल्द इलेक्शन में जनता बताएगी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये सब समझ में आ जाएगा लोगों को। मुद्दा है या नहीं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान आंदोलन अब मुद्दा नहीं है। कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को जो प्रयास करना चाहिए मुद्दा नहीं है। देखिए, केंद्र सरकार ने बेहतरीन प्रयास किए हैं। अच्छा, तो जो कुछ दो चार लोग किसान नाराज थे, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे अब? जी, क्या कहा आपने? मैं पूछ रहा हूँ गांव गांव जा रहे हैं कि नहीं जा रहे आप? क्योंकि पिछले दिनों का ऐसा हुआ था कि आपके नेता गांव गांव नहीं जा पा रहे थे, दिक्कत हो रही थी, समस्या हो रही थी, गांव जा रहे थे तो किसान अपनी नाराजगी जता रहे थे। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? हमारे नेताओं ने कभी गांव में जाना बंद नहीं किया। हमारा नेता गांव में ही रहता है, जनता के बीच में रहता है। ये तो उनसे पूछिए जो लंदन रिट्रीट रहते हैं, जो 4.5 साल जनता के बीच में आने की फुर्सत नहीं रहती और लास्ट के 6 महीने उन्हें लगता है कि जनता के बीच में आएंगे और जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाएगी। यही तो अमेठी में हालत हुई तो बाराइट भागना पड़ा, यही अब कहीं ना कहीं सैफई वालों का हाल होने वाला है। 4.5 साल तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं हुई कि जनता के बेसिक मुद्दे क्या हैं, कहाँ त्रस्त है, कहाँ परेशान है, लेकिन अब इलेक्शन आ गया तो आप ये जताना चाह रहे हैं कि बहुत बड़े हितैषी हैं। जब गन्ने को लेकर इतना काम किया है तो फिर जिन्ना क्यों याद आते हैं बार बार आपको, संदीप द्विवेदी? नहीं, हमें नहीं आते, ये तो जिन्ना को, जिनको याद आ रहे हैं, जिनको जिन्ना में नेहरू दिख रहा है, उनसे पूछना चाहिए और मुझे लगता है कि वो इसका बेहतरीन जवाब देंगे। देखिए, हमने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया है कि हम 100% आश्वासन है कि पिछले रिकॉर्ड को भी हम यूपी में तोड़ेंगे। मजबूरी है नहीं, आपने तो विकास की बाढ़ ले आया ना, आप तो विकास की बाढ़, विकास की गंगा, आपने बिल्कुल जिन्ना क्यों जरूरी है? आपने बिल्कुल अच्छी बात कही, जिन्ना क्यों मजबूरी है अखिलेश यादव के लिए जो बार बार जिन्ना की शरण में चले जाते हैं, और क्यों जरूरी है राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए जो बार बार जिन्ना को लेकर अखिलेश में और राहुल में कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा जिन्नावादियों को तोड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लिए जिन्ना कभी न महत्वपूर्ण थे, न है, न रहेंगे। हम विकास में विश्वास रखते हैं, हम जनता के बीच में जाने में विश्वास रखते हैं, हम अंत्योदय में विश्वास रखते हैं, और हम उन अपने उस विश्वास पे खड़े उतर रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे? कभी नहीं थे। आपके लिए जिन्ना पक्का पक्का 100%, उसमें कोई दोराय वाली बात नहीं है। और आप जिस घटना का जिक्र करना चाह रहे हैं वहां भी मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण जिन्ना हमारे लिए वहां भी नहीं थे। नहीं, माला तो नहीं जपेंगे ना, जिन्ना के नाम की माला नहीं जपेंगे ना? देखिए, हम ना जिन्ना की माला जपते हैं, ना किसी जिन्न की माला जपते हैं। हम प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम प्रभु श्री कृष्ण में आस्था रखने वाले लोग हैं, हम अननेसेसरी धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं। सिर्फ मथुरा काशी और राम की बात करते हैं, जिन्ना की नहीं? नहीं, देखिए, हम जिस धर्म से हैं उस धर्म में पूर्ण आस्था रखते हैं, हमें जिन्ना और आजम खां के इशारों पर थोड़ी नाचना है। ओके, नाराज नहीं होते संदीप जी, नाराज नहीं होते। मैं कुछ बयान सुनाना चाहूंगा आपको, क्योंकि आपने कहा कि हम जिन्ना की माला नहीं जपते। मैं चाहूंगा कि प्लीज योगी जी के 4 बयान हैं
इसको प्ले करिए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अन्यायी है, जिन्ना के अन्यायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिन्ना विश्वास है, वे दंगा करवाते थे। चाचा जान और अब्बा जान के अन्यायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन ले, सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र सोड़क जिन्ना। तो सुना आपने, जिन्ना क्यों जरूरी है, क्यों मजबूरी है? संदीप भाई कुछ कहना चाहेंगे? मैंने कुछ 27 नवंबर, 23 नवंबर, 14 नवंबर, कैसे लगे ये बयान आपको? बिल्कुल सत प्रसत कहना चाहेंगे। अगर कोई जिन्ना का महिमा मंडन इस देश में करेगा तो हम उस पर खुलके प्रहार करेंगे, खुलके कटाक्ष करेंगे, और हमने वही किया है। अब इसके साथ साथ आप जरा वो भी बयान दिखाइए जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं। ओके ओके, नाराज मत होइए, वो भी दिखाऊंगा। नहीं, इसमें नाराजगी वाली हो सकता है आपको लग रहा हो, मैं नाराज हो रहा हूं, जबकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई नाराजगी वाली बात है। देखिए इस देश, संदीप भाई, इस देश के लोग आज भी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल में विश्वास करता रहा था कि जिन्ना की माला कौन देता है, मुसलमान भी जिन्ना में विश्वास करता है। जी जी, बिल्कुल 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 होना चाहिए। शिल्पी चौधरी जी, जब यहाँ का मुसलमान जिन्ना में विश्वास नहीं करता तो आपको जिन्ना की क्या जरूरत? गन्ने पर चर्चा करिए ना, जिन्ना की चर्चा क्यों करते हैं आप? जिन्ना क्यों चाहिए? नहीं देखिए, ऐसा है कि जिन्ना हमें तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। जिस दिन जिस बयान के संदर्भ में ये सारा विवाद छेड़ा है, और जिन्ना के रूप में इन्हें किसी न किसी रूप में मुसलमानों की के नाम से ऑक्सीजन भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, जो इस बार इनको जिन्ना के रूप में इन्होंने ले ली। जो संदर्भ था वो यही था कि एक ही विश्वविद्यालय से पढ़े हुए सरदार पटेल, जिन्ना और नेहरू, अलग अलग कैसी विचारधारा के लोग निकले, लेकिन हमेशा से तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने वाली भारतीय जनता पार्टी यही कर सकती थी, यही कर रही है। इनके कुछ करने से थोड़ी ना होता है, सारी चीजें सबके सामने है, ये कुछ भी करते रहे। खुद आपने दिखाया कि मुख्यमंत्री जी को कितनी ऑक्सीजन मिल गई, मुख्यमंत्री जी ने कहा अरे अभयदान मिल गया मुझे तो, देखिए जिन्ना जिन्ना। शिल्पी जी आपने सुना नहीं, संदीप जी ने कहा कि अगर आप जिन्ना को लेकर ही नहीं आते बीच में तो जिन्ना आता ही नहीं। कि 4.5 साल उत्तर प्रदेश की जनता कितनी त्रस्त रही, देखिए इनके बयान को अभी रिवाइंड मार लीजिए तो ये खुद कह रहे हैं कि जनता के दुख दर्द में, अरे वाह क्या बात है, चलिए धन्यवाद, आपने ये माना तो सही कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त रही आप लोगों से, तो वो जनता जब आप स्वीकारोक्ति कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं ये भी जनता बताएगी, और आपने क्या किया ये तो खुद आप उगल गए। शिल्पी जी, मैं तो चाहता हूं कि गन्ने पर चर्चा हो, गन्ने पर बहस हो, और गन्ने को लेकर और किसानी को लेकर देश का सबसे बड़ा मुद्दा बने। जिन्ना जिन्ना जिन्ना, मेरा सवाल सुन लीजिए, जनता पार्टी अभी तक राम, मेरा सवाल सुन लीजिए, अब कृष्ण शुरू हो गया तो इनके लिए धर्म ही एक आधार है, विकास या कोई और काम न इन्हें करना था न इन्होंने किया। अच्छा धर्म आधार है ना, आपके लिए तो नहीं है ना? सुनिए सुनिए मेरी बात, करना जानती नहीं, गुस्सा मत होइए। आप लोग इतना नाराज क्यों हो जा रहे हैं आजकल? राम रहीम पे आ जाएंगे। शिल्पी जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था आपसे कि आप भी 7 तारीख को मेरठ में रैली करने जा रहे हैं, साझा रैली जी, आपको लगता है कि जाट प्लस मुस्लिम प्लस यादव आपके साथ आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। गांव में जाने की इनकी हिम्मत अभी भी नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि गांव में ये इनके नेता कभी हटे नहीं, तो उन्हीं जात और धर्म में बांटी आपने किसान को? हाँ जी, धर्म पे बांट लिया ना आपने, जाट प्लस मुस्लिम प्लस यादव। जाट प्लस मुस्लिम प्लस यादव की बात नहीं है, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन एक बहुत प्रभावी और महत्वपूर्ण मुद्दा कल भी था, आज भी है, सो हम उस पर बात करेंगे। जाट मुस्लिम यादव मुद्दा खत्म हो गया, मुद्दा उनके कहने से वो जाए ना, वो जनता के बीच में जाकर संदीप त्रिवेदी कह रहे हैं मुद्दा खत्म, बताएंगे। और जाटों ने अगर कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो वो जाट वोट बैंक अगर खिसकेगा तो वो पार्टी, तो जाहिर बात है कि वो लोग उसके साथ आए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? लोगों ने खुद इनसे अपनी आस्था खत्म करी है,
ओके संदीप द्विवेदी रैक करना चाह रहे हैं जल्दी से, फिर मैं एक बयान और सुनाऊंगा जल्दी से। संदीप द्विवेदी क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए जाट या मुस्लिम या किसी भी जाति या संप्रदाय की बात करें हम, तो मुझे लगता है कि अगर इनको इन सभी संप्रदायों का और सभी जातों का वोट मिला होता तो आज इन्हें 4.5 साल लंदन में ना गुजारने पड़ते, ये उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में होते हैं। इसलिए एक जाट मिला, मुस्लिम मिला, बनिया मिला, यादव मिला, इन सब बातों से दूर निकल जाएं। सैफई जैसे इनके घर घर में अगर बीजेपी ने इनका घर से भेद दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करेंगे। आज पूरा प्रदेश बिना तो जात और बिना धर्म के भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आज 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 जाट ये पूछता है कि जब मुजफ्फरनगर दंगों के समय उनकी इज्जत उछाली गई थी तब कहां थी समाजवादी पार्टी, कहां था लोकदल, कहां थी बहुजन समाज पार्टी, कहां थी कांग्रेस, और आज जब वोट लेना है तो याद आ रही है जाट। अरे कभी उनके 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 दुख दर्द में भी तो शामिल हो लीजिए, या सिर्फ उनके घर उजाड़ के ही आपको इलेक्शन के समय याद आती है उनकी? कमीशन द्वारा प्रतिबंधित है, उसको भी कराने में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। जरा झूठ तो ना बोलिए, वो भी नेशनल टीवी पे आज झूठ बोल रहे हैं, जाके देखिए कि आप जिन्ना के हमारे कहने पे अखिलेश ने बोला था नहीं, अखिलेश ने क्या जिन्ना का हमारा हमारे कहने पे नाम लिया था? अरे मुलायम सिंह जी का शब्द याद रखिए, जो अपने बाप का ना हुआ वो किसी प्रदेश की जनता का क्या होगा। ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं अपने बेटे के लिए, अपने सुपुत्र के लिए, कि हमारा बेटा अपने बाप का ना हुआ प्रदेश की जनता का क्या होगा, क्या वो नेता प्रदेश की जनता के साथ खड़ा होगा? अरे अपने चाचा के नहीं हुए आप लोग, अपने पिता के नहीं हुए अखिलेश यादव, अपने जात यादव के नहीं हुए आप लोग, आप सिर्फ आजम खान और अतीक अहमद के गुलाम बन के रह गए हैं आप लोग। आप लोग आज भी अतीक अहमद और आजम खान की उंगलियों पर नाचते हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जनता आपको सबक सिखा रही है। गुंडों के सहारों पर नाचोगे तो जनता आपको विपक्ष में बैठाएगी और लंदन ही भागना पड़ेगा आपको। एक सेकंड, ये चुनावों में सबको जिन्ना याद आते हैं। मैं तो कहता हूँ कि गन्ने को याद करिए ना, गन्ने को याद करिए, जिन्ना को नहीं। गन्ना ओनली गन्ना, जिन्ना नहीं। एक सेकंड, भूदेव शर्मा आपसे पास जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ही देर में आप चौधरी सवित मलिक साहब ज्वाइन करेंगे, किसान नेता और दमदार तरीके से किसानों का पक्ष रखते हैं तमाम न्यूज चैनल पर। लेकिन भूदेव जी पहले आपके पास आ रहा हूं, ये सबको जिन्ना जिन्ना याद आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि गन्ना याद करो भाई, गन्ना। भूदेव शर्मा जी, तिलक जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, जी बताइए, सुन रहा मैं, कह रहा हूं सबको गन्ना याद आ रहे, गन्ना क्यों नहीं याद आ रहा? देखिए तिलक जी, मैं सबसे पहले आपको भी और इस देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं, ये हमारे देश की आज भी वो विभाजनकारी शक्तियां हैं जो इस देश को बांटने का काम करती हैं। जब भी चुनाव आते हैं तब इनको जिन्ना याद आता है, इनको हिंदू और मुस्लिम धर्म याद आते हैं, इनको जाति याद आती है, ये केवल और केवल बांटने की राजनीति करते हैं। अभी जो हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता बार बार राहुल गांधी जी का नाम ले रहे थे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन्ना की मजार पर पाकिस्तान में फूल चढ़ाने के लिए कौन गया था? क्या कभी कोई कांग्रेस का नेता पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने के लिए गया? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले सुन ले, मैं आपके बीच में बोला, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, आज देश सुनिए, जवाब देना चाह रहा हूं आपको। नहीं, देखिए शर्मा जी, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं कि वो समय समय की बात है कि किसी को अपने बाप दादा की मजार पे फूल चढ़ाने का की हिम्मत नहीं पड़ती और कोई पाकिस्तान जाके फूल चढ़ा के आता है। बताइए सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितने बार अपने दादा की मजार पे गए? अरे हिम्मत नहीं है ये स्वीकार करने में, जो हमारे दादा थे वो खान थे। अरे आप जिन्ना की बात करेंगे, आप रिकॉर्ड में दिखा दीजिए कितने बार उन्होंने अपने दादा की मजारों पे फूल चढ़ाए हैं। तिलक जी इनको पहले शांत कीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज उत्तर प्रदेश का जो हाल, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी में नहीं, आप मजार में आ जाइए, आप उत्तर प्रदेश को क्यों वापस चले गए? जो राज्य 1970 तक सबसे अधिक राजस्व देने वाला राज्य हुआ करता था, आज उसको पिछड़े राज्यों की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। पूरे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनसंख्या ये जानने लगी है, देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग ये जानते हैं कि देश के लोगों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ
युवाओं को क्या लीजिए, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विभाजन किया लोगों का। मैं पूछना चाहता हूँ मुझे पता नहीं कैसे जब किसान दिल्ली की सीमा पर अपना एक साल से आंदोलन कर रहे थे तो कहाँ थे अखिलेश यादव जब किसानों को इनकी गाड़ियों से कुचला गया, तब ये अखिलेश यादव जी कहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को होटल के अंदर मारा जा रहा था, तब ये सपा अखिलेश यादव जी आवाज उठाने के लिए नहीं आए। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि जब वहाँ पर फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे थे, जब एक तानाशाही शासन चलाया जा रहा था, तब ये लोग घरों में दुबके हुए बैठे थे, कोरोना में जहाँ गंगा में लाशें दिखाई दे रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सपा के नेता पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कहीं नजर नहीं आ रहे थे। केवल कांग्रेस पार्टी के नेता के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े थे, और आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ही इस देश में इस प्रदेश में शासन चला सकती है, और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप ये लोग अब प्रियंका गांधी के वहाँ आने से उनके जनाधार को कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर, समाजवादी पार्टी पर, सोनिया गांधी पर यही आरोप लगाएंगे, लेकिन अपने गले मान में झांक कर नहीं देखेंगे कि आपने कितना विकास किया है और कितना नहीं किया है। वो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं मांगते, इन्होंने शर्मा जी युवाओं को लाठियों से उदय शर्मा जी सवाल ले लीजिए, लोगों ने भूदेव जी का ऑडियो नीचे, भूदेव जी का ऑडियो नीचे, रेलगाड़ी के दलदल डर गए, भूदेव जी का ऑडियो नीचे, आप किसानों को मजदूरों को लाकर के खड़ा कर दिया जो है, ये हालत सवित मलिक जी आपके पास आऊंगा, जो आज देखने को मिल रहा है, जरूरत किसे पड़ रही है, 70 से पहले नहीं हुआ था, हमने चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं जिंदा 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 उत्तर प्रदेश में एक मिश्रा जी सरकार बनेगी। एक मिश्रा जी एक मिश्रा जी सुना आपने कांग्रेस की सरकार बनने क्यों वो शिल्पी जी से इतना नाराज है, कह रहे अखिलेश यादव ने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि गन्ने पे चर्चा करो ना, ये जिंदा जिंदा क्यों याद आ रहा है सबको। मैं आपको बताता हूं चावला जी, यहां पे बड़ी पुरानी परंपरा रही है, राम को याद किया जाता है तो रावण को भी नहीं भुलाया जाता है, कृष्ण को याद किया जाता है तो कंस को भी नहीं भुलाया जाता है, जिन्ना को इसलिए याद किया जाता है, दो पक्ष है, कुछ लोग इसलिए याद करते हैं कि उनकी रोजी रोटी राजनीति वगैरह जिन्ना से चलती है, राक्षी प्रवृत्ति के लोग, एक एग्जांपल देखिए, आज ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लड़के की पीएचडी की डिग्री कैंसिल कर दी, जिन्ना की फोटो हटाने के लिए एक संघीय ढांचे के अंतर्गत बनी हुई यूनिवर्सिटी संविधान के सारे नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बोला हम जिन्ना की फोटो नहीं उठाएंगे जी, जिन्ना की फोटो अगर आप हटा देंगे तो अलीगढ़ भारत से अलग हो जाएगा जैसे पाकिस्तान अलग हुआ था। तो सवाल यह है हमें जिन्ना को नहीं भूलना चाहिए, हमें हर दिन जो है लगभग हर इंपॉर्टेंट मौके पे अपनी गलतियों को अपनी पीढ़ियों को याद कराते रहना चाहिए कि ये एक ऐसा गद्दार था जिसने हमारे पीठ में खंजर भोंका था, वो और बहुत सारी चीजें हैं उसमें कौन मिला था कौन नहीं था। दुख की बात आज ये है कि आज भी वो एक कहावत है शेर है ना, हर साख पे उल्लू बैठा है, आज भी यहाँ न जाने ऐसे कितने इंस्टीट्यूशन है राजनीतिक पार्टियां हैं जहां पे छुपे या किसी भी तरीके से अपना आइडियल वो जिन्ना को मानते हैं और वो जिन्ना के काम को दोहराना चाहते हैं। पब्लिक को अवेयर करना आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, हर प्रबुद्ध इंस्टीट्यूशन इंटेलेक्चुअल की जरूरी है। नहीं, नहीं, मैं जो लोग जिन्ना को महिमा मंडित करे मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको जो है नकार देना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, जिन्ना में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए कुछ लोगों के लिए राष्ट्रवाद वालों को जिन्ना में बहुत दिलचस्पी है, मजबूरी है, एक सेकंड के मिश्रा साहब, दूसरा जिन्ना ना पैदा। सवित मलिक जी एक सेकंड, सवित मलिक जी मैंने अभी आपके कार्यक्रम में जुड़ने से पहले मैंने पूछा संदीप द्विवेदी जी से, मैंने पूछा कि किसान मुद्दा कुछ असर डालेगा, तो उन्होंने कहा किसान मुद्दा अब ठंडा हो गया, खत्म हो गया मुद्दा, अब मुद्दा नहीं है। क्या मलिक साहब अब वाकई किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है? तिलक जी, ये सारी पार्टियां किसान को मुद्दा नहीं मानती थी तभी तो एक साल तक किसान सड़क पर रहा, लेकिन आज की तारीख में किसान स्थिति में है कि हर पार्टी किसान का नाम ले रही है, सारे न्यूज़पेपर किसान का नाम ले रहे हैं, सारे मीडिया हाउस किसान का नाम ले रहे हैं,
किसान ने इस एक साल में क्या क्या खोया, क्या क्या पाया, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने अपने परिवार के 700 कुछ लोग खोए हैं, हमने किसी का घमंड तोड़ा है, हमने पाने को ये पाया है कि आज हर जगह किसान की चर्चा है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये लोग धर्म और जाति की राजनीति पर तूतू मैमै करते हैं, लड़ाई लड़ाते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं। कोई सी भी राजनीतिक पार्टी किसान के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, देश के विकास के नाम पर बात करने को तैयार नहीं है। कभी अयोध्या चले जाते हैं, कभी काशी चले जाते हैं, कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी अलीगढ़ चले जाते हैं। अरे क्या आप लोगों में इतनी ताकत नहीं बची है कि आप देश के विकास के नाम पर वोट मांगे? लेकिन हम एक बात बताइए ना सवित मलिक, राजतंत्र में है बता रहे थे कि बीजेपी के खत्म कर दिया जाने वाले और देश के 582 राजा हमने खत्म करके भुगतान हुआ आपका, और ये कितने राजा हमने पाल लिए हैं, गन्ने का भुगतान हुआ, देश खर्चा उठाता है, इनको तनख्वाह भी देते हैं, इनके खाने पीने का खर्च उठाते हैं, घूमने का उठाते हैं, चाय पानी का उठाते हैं, टेलीफोन का उठाते हैं, और ये हमको क्या देते हैं? देश तोड़ने के लिए नए नए जुमले ये कह रहे हैं 90% भुगतान हुआ है। विकास के नाम पर क्या है इनके पास? उस पर बात करिए ना आप, कोई से पार्टी बात नहीं करना चाहती। किस सरकार ने किया 90% भुगतान? सवित मलिक किसान 90% भुगतान हुआ अब जा चुका है। 90% किसान को किसी भी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन किसान की जरूरत हर राजनीतिक पार्टी को है। अब किसान वहां वोट करेगा जो उसको उसका हक देगा, जो उसकी फसल का उचित दाम देगा, जो उसको समय पर भुगतान देगा। सवित मलिक जी, तिलक जी, मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं है कि बीजेपी नेता कह रहे हैं 90% भुगतान हुआ है, 90% भुगतान क्या हुआ है? गन्ने का, गन्ने का 4,400 कुछ अभी पिछले सत्र का बकाया है और इस सत्र का अलग है। जहां से गन्ना मंत्री आते हैं उस जिले में 3 मील है, शामली में है, 322 करोड़ पिछले वर्ष का बकाया है, इस वर्ष की अभी कहीं कुछ पता ही नहीं है। और जो खुद उनके क्षेत्र का, उनकी विधानसभा का थाना भवन मिल है, 184 करोड़ रुपए उसके बकाया है। ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? ये तो 14 दिन में भुगतान करा रहे थे और हम तो अभी बैठे हैं, कुछ दिन बाकी है, 2022 में हमारी आय दुगनी हो ही जाएगी। एक सेकंड सवित मलिक जी, जवाब ले लेते हैं। हम लोग तो लड्डू बनवाने का ऑर्डर दे चुके हैं कि 22 में हमारी आय दुगनी हो रही है, किसान खुश होगा, बच्चों के कपड़े खरीदेगा, स्कूल की फीस जमा करेगा, ट्रैक्टर में तेल भरवाएगा। लेकिन एनसीआरटी का आंकड़ा है पिछले वर्ष में 2 सालों में 35-40% किसान की आय माइनस में गई है, 19-20 में 18% किसानों ने अधिक आत्महत्या। आप ही का प्रश्न लेकर जा रहा हूं, जवाब दीजिए संदीप तिवारी जल्दी से। पाना चाह रहे हैं, पहली चीज देखिए, सरकार ने ऑन डॉक्यूमेंट ये चीज साबित की है कि हम 90% से ज्यादा भुगतान कर चुके हैं, और जो भुगतान जिन लोगों का बचा है उनका हम 100% इलेक्शन से पहले क्लियर करेंगे। दूसरी चीज, मेरी बात सुनिए पहले, आपका लेक्चर मैंने सुन लिया, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप झूठ ही बोलते हैं, यहाँ ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, आप पहले आंकड़े देख के आया करिए। दूसरी चीज, सवित मलिक जी से एक बात ये पूछ लीजिए, एक बात ये बता दीजिए कि कितना भुगतान आपने किया था, कितना बसपा ने किया था और कितना भाजपा ने किया है, और कितनी मिले बसपा सरकार में बेची थी, कितनी सपा सरकार में बेची थी और कितनी भाजपा सरकार में बेची है, आपका पता चल जाएगा कितना किसान तैसी है। और आप जो वोट चिल्ला रहे हो ना, ये जो वोट चिल्ला रहे हो ना, ये आप राकेश टिकैत को दिलवा देना, शायद इस बार सांसद बन जाए, 3 बार तो जमानत जब्त करवाई चुके हैं, ये राकेश टिकैत को दिलवा देना, शायद उनकी फाइल पूरी हो जाए सांसद बनने की, जमानत भी जब्त करवाएंगे राकेश टिकैत। पहले इनको शांत कीजिए। एक सेकंड भूपेश शर्मा, तिलक जी सरकार के पास तो आंकड़े होते ही कहाँ है, किसे शांत करना? सरकार संसद में भी ये बोलते हैं कि हमारे पास किसी बात के आंकड़े नहीं है।
अरे जमीन तो जमीन पर भगाए जाते हैं, जूते मारे जाते हैं। अरे जूते किसको मारे जाते हैं? कौन महिला पत्रकारों को लेके उल्टी सीधी अफवाहें फैलाता है पूरा देश जानता है। यहाँ तो तुम क्या करोगे? अरे हम जो उसमें क्या करोगे? अरे आप क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का किसान भाजपा के साथ खड़ा है, तुम जैसे दिखाओ सामने की बात है। 100 सीटें नहीं आएंगी लिख। अरे पहले राकेश शिकायत अपनी जमानत ही बचा ले, सीटें तो बहुत बड़ी बात है। उत्तर अरे पहले राकेश शिकायत जो अपनी सीट के लिए कहीं सपा से भीख मांगते हैं, कहीं लोकदल से मांगते हैं, उसकी ही जमानत बचा ले। आप 100 सीटों की बात करते हैं। हम साकार करने में विश्वास करते हैं और सरकार चला रहे हैं। जमानत जब्त करवाने वाले हमें सलाह ना दें, जमानत जब्त करवाने वाले हमें सलाह ना दें। अरे जो किसानों के ठेकेदार बने बैठे हो, किराएदार हैं, हम किराए पे लेके बैठे हैं, क्यों किसानों को मतदान करते हो? क्यों इस देश के किसानों को मतदान करते हो? सारे किराएदार हैं। किससे बात कर रहे हो? ओके ओके संदीप द्विवेदी, तुम लोगों की आवाज निकल गई है। गुब्बारा पूरा हवा में उड़ के शिकायत की जगह निकालिए और फिर निकालिए। ऐसे झूठ को कभी सत्य नहीं किया जा सकता। आप लगा रहे हैं अब नहीं तिलक जी, इनको बोलिए कि ज्यादा क्रिया से झूठ को संदीप द्विवेदी मेरे को नहीं कर सकता। एक सेकंड भूदेश का प्लीज, एक सेकंड कर सकते हो बीच में? एक सेकंड सरित मलिक जी प्लीज, सरित मलिक जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सरित मलिक जी प्लीज, मैं आऊ मेरे मुद्दे पे आ रहा हूं। मैं तो जिन्ना हिंदू मुसलमान नहीं करने बैठा ना यार, प्लीज मुद्दे पे रहिए एक सेकंड। मैं सिर्फ एक बात जानना चाह रहा हूं, आपने आंकड़ों का जिक्र किया तो संदीप द्विवेदी 2017 के बाद से आपने इसी गन्ने का जो रेट बढ़ाया वो अब बढ़ाया 4 साल के बाद 3500 रुपए, वो भी चुनाव नजदीक है। तो मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? नहीं यहाँ कह रहे कि किसान जरूरी है। नहीं, हम यहाँ गन्ना के प्राइस आपने समर्थन मूल्य जो बढ़ाया वो सिर्फ 3500 रुपए बढ़ाया। नहीं तो हम मूल बढ़ाने की बात कर रहे हैं, भुगतान की बात कर रहे हैं। पहले आप अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज रही बात मूल बढ़ाने की, तो सरकार को किसानों के लिए प्राइस समर्थन आम जनता के लिए प्रोडक्ट के प्राइस एमएसपी क्या कृषि कानून का हिस्सा थी? क्या कौन सी क्या कृषि कानून का हिस्सा नहीं था? महंगी हो गई चीनी, 10 रुपए किलो महंगी हो गई और गन्ने का आज महंगाई अपने चरम स्तर को छू रही है। ओके शिल्पी चौधरी, मैं तो यही कह रहा हूं ना, ये तमाम मुद्दे है ना, क्योंकि अभी आंकड़ों का जिक्र किया संदीप द्विवेदी ने, मैं आगे आऊंगा। लेकिन शिल्पी चौधरी जी ये बात समझ से परे है कि चुनावी लड़ाई आप कह रहे मुख्य विपक्षी दल के रूप में आपके और बीजेपी के बीच में है। भूदेश शर्मा कह रहे हैं बौखला गई है समाजवादी पार्टी। अरे कांग्रेसियों के लिए क्या है भाई, ये देखिए जब आते हैं तो नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं। अभी भी इनको देखिए आपने कितना रोकने की कोशिश कर ली, मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। इनको जो ये गलत फहमी है जो इनको 31 साल में भी ना समझ में आई, वो अब आपको लगता है कि 6 महीने में समझ में आ जाएगी कि इनके नेता आएंगे यहाँ कहेंगे हम स्कूटी दे देंगे, वहाँ हम ये दे देंगे, वहाँ हम वो दे देंगे, या मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। ये सब जो प्रोपोगेंडा इनका है, ये प्रोपोगेंडा के चलते ही ये 31 साल से यहाँ से बोरिया बिस्तर समेत सिमटे हुए थे। इनको चिंता उत्तर प्रदेश की छोड़ के केंद्र की करनी चाहिए कि कहीं वहां से भी क्लीन स्वीप ना हो जाए। ये उसकी चिंता नहीं करते, ये अपने संगठन से बात नहीं करते। इनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, हमेशा से ही कांग्रेस तो क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ रही है। इनके सारे वर्डिक्ट में वो चीजें निकल के आ रही है। इनकी लड़ाई भाजपा से कहाँ है आपको लग रही है? मुझे तो नहीं लगा। ये हमेशा जब भी ये बैठते हैं नॉन स्टॉप ये अपना जो रट स्क्रिप्ट में बात करते हैं, कोई सवाल होगा ये उस पर बात नहीं करेंगे, इस सवाल पे बात नहीं करते। शिल्पी जी सपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। आपके लिए तो जिन्ना जरूरी नहीं है ना, 40 साल पुरानी आप ये कह रही है आपके लिए जिन्ना जरूरी नहीं है। भूदेव शर्मा से मैं पूछूंगा, भूदेव जी से पूछ लूंगा। सतीश द्विवेदी इनसे कह रहे हैं कि राहुल आज तक अपने बाबा की मजार पे नहीं गए, ये उसको भी कंट्रडिक्ट नहीं कर पाई, उसको भी बात नहीं कर पाई। हमने तो ये भी कहा था कि अखिलेश ने मुलायम सिंह जी ने कहा कि जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ प्रदेश की जनता का क्या होगा, उस पर भी जवाब दे दो आप। समझना चाहिए, हमने तो अखिलेश यादव के बारे में भी बोला, आप अपना ही काउंटर कर लो, उनकी क्यों चिंता कर रहे हैं आप? अरे आप
आप चुप कर दिया कि लंदन भागना पड़ा अरे जो कुछ सांसद चुप कर देगी प्रदेश की जनता जितना आपकी राजनीतिक पार्टी का इतिहास है उससे ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है, इसलिए उसके बारे में बोलने के पहले सोचा करिए आप। अरे भाई उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, तो पिछली बार क्यों इनके साथ आप एक ही साइकिल पर सवार थी, तो फिर क्यों कैरियर पर राहुल गांधी को बैठाई थी पिछली बार? नहीं 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 नहीं, एक मिश्रा एक सेकंड, क्या लगता है आपको कि चुनाव गन्ने के नाम पर होगा? एक मिश्रा सत्ता वाले नीचे से एक मिश्रा नीचे समाजवादी पार्टी में होती है, यहाँ चुनाव रखे जाते हैं वो गन्ने और समाजवादी और अवैधता से समाजवादी पार्टी होती है। अगर न जानकारी हो तो फिर पाठक से पूछ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कौन किसकी पार्टी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ना चिंता है ना भाजपा की चिंता ना कांग्रेस की। कहां से लंदन जाके और आप अपने घरों में बैठे रहेंगे? पहले इनको शांत कीजिए, उसके बाद मैं जवाब दे पाऊंगा। आपने क्या किया? जनता सब कुछ देख रही है, जनता देख रही है कि महिलाओं के साथ आपने क्या किया, ब्राह्मणों के साथ। एक मिश्रा, ओहो ब्राह्मण तैसी, यादव सभा में कितने ब्राह्मण मारे गए थे? प्लीज, यादव सभा में ब्राह्मणों का हक कैसे छीना गया था? नहीं याद है ब्राह्मणों के बारे में? आपके विधायक कहते थे सरकारी कार्यालय ब्राह्मणों के काम नहीं होना चाहिए, आप ब्राह्मणों की बात करेंगे? जिसके साथ पूरा विश्व का व्यक्ति खड़ा है उस व्यक्ति के ऊपर आप इतने गलत आक्षेप लगा रहे हैं, शर्म करिए अपने आप पे। मैं उसके साथ भी खड़ा है, अरे पहले घर समय समय दीजिए, अरे पहले घर के ही लोग इकट्ठे कर लीजिए, मुझसे भी बात में बात करिए। शमशान, क्या इसी पर चुनाव होगा? गन्ने पर कहां चुनाव की बात हो रही है? किसानी पर कहां चुनाव की बात हो रही है? देखिए तिलक जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ने या सपा ने या बसपा ने अगर उत्तर प्रदेश में अगर विकास किया होता तो आज इनको जातिगत सम्मेलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी हुई है जो देश के प्रदेश के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाती है और अपने लिए वोट मांगती है, चाहे वो बेरोजगार युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो। और अभी आप देखिए कि दोनों प्रवक्ता यहाँ बता रहे हैं पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को, कि ये कभी भी हिंदू और मुस्लिम से ऊपर नहीं उठ पाई, ये कभी जाति से ऊपर नहीं उठ पाई। बसपा ने एक विशेष जाति की राजनीति की, सपा ने एक विशेष जाति और धर्म की राजनीति की, और वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को सभी जातियों को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। चुनाव में जीत हो या हार, लेकिन हम देश को बांटने का काम नहीं करेंगे। देश की जनता के जो मुद्दे हैं, प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं, उनको लेकर के ही हम उनके बीच में जाएंगे। ओके ओके एके मिश्रा जी, ये जिन्ना पर क्यों बात हो रही है? मैं कह रहा हूं कि गन्ने पर चर्चा करिए, गन्ने पर बहस करिए, किसान पर बहस होनी चाहिए। ये कह रहे नहीं जिन्ना 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 किसके लिए जरूरी नहीं है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। यहां तो सबके लिए जरूरी है और मजबूरी भी है। चावला जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जो विकास है ना वो करने वाली चीज है, जो कि मेरे ख्याल से शायद हो रहा है ग्राउंड पे, सड़कें बन रही हैं, ये है। बात करने वाली, जागरूकता लाने वाली जो चीज है वो जिन्ना है, तो वो जिन्ना के ऊपर अपने अपने तरफ से जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो जिन्ना को भगवान मानते हैं, जिनसे जिन्ना की रोजी रोटी चलती है वो उस हिसाब से कर रहे हैं, जो जिन्ना को देशद्रोही मानते हैं वो उस हिसाब से जिक्र कर रहे हैं। मैं तो आपको बोलता हूँ, पिछले 10,000 साल का इतिहास उठा लीजिए, ये देश न कभी भद्र पुरुषों को, ऋषि मुनियों को भूलता है, न देश प्रेमियों को भूलता है, और देश के गद्दारों को भी नहीं भूलता है। जिन्ना तो अभी 50, 60, 70, 100 साल पहले की बात है, उसकी औकात ही क्या है। मैं हजारों साल पहले की बात, क्या आप महाराणा प्रताप को भूल गए? क्या आप मोहम्मद गोरी को भूल गए निगेटिव वे में? क्या आप और भी जितने हमारे हीरोज हैं हमारे महापुरुष हैं उनकी चर्चा बंद कर दें? रही बात जो ये जाति की बात कर रहे हैं, अब पता नहीं ये संविधान की गड़बड़ है या किसकी गड़बड़ है। हर जगह अभी आप देखिए, फ्री में राशन का जब कोटे में लाइन लगता है तो कहां, मतलब
सड़कों पर प्रदर्शन होते हैं, हम इस जात के हैं तो हमें ये चाहिए, हम इस जात के हैं तो हमें ये चाहिए, हम माइनॉरिटी हैं तो हमें ये चाहिए। ये कौन सी सरकार ने इन सब चीजों का क्राइटेरिया बनाया था? हाई स्कूल की मार्कशीट में सबसे पहले लिखा जाएगा बच्चे का जन्म होगा, तभी सरकार ने क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि उसका डिटेल लिखा जाता है, जाति धर्म ये वो। और तो फिर जाति धर्म और इन सब चीजों को आप डे टू डे लाइफ से कैसे निकाल देंगे, चाहे चुनाव हो चाहे जो हो। रही बात विकास की, अच्छा, तो विकास के लिए कभी चलिए ना, हम चलते हैं नोएडा से इलाहाबाद वगैरह इन लोगों को। ये जिस 14 लेन के हाईवे पे बैठे थे ना, अगर वही हाईवे पहले वाला रहा होता ना, तो खड़े होने की जगह नहीं मिलती किसानों को। मलिक, जो मैं बात जानना चाह रहा हूं, और महल जैसा टेंट लगाए तो इसलिए लगाए क्योंकि हाईवे बनी थी। और ये शर्मनाक चीज है, हाईवे बनी थी देश के प्रगति के लिए, इन्होंने उसी पे कब्जा करके, जिन्नावादी सोच, उसी पे कब्जा करके पूरा आवागमन ठप कर। ओके, एक मिश्रा, एक सेकंड प्लीज। ओके ओके, एक सेकंड सरित मलिक, आपने बताया नहीं, मैंने आपसे पूछा था कि ये कह रहे कि हमने 90% भुगतान किया गन्ने का, पिछली सरकारों ने भुगतान नहीं किया गन्ने का, किया होता तो वो सत्ता में वापसी करते। लेकिन सवाल यही है कि जब बीजेपी कह रही है हमने गन्ने का भुगतान किया, वो भी 90%, लेकिन फिर भी आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्यों? सरित मलिक जी, जब इनकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में 7,000 करोड़ बकाया था, और अभी जब सीजन समाप्त हुआ तो 12,000 करोड़ बकाया था, और इन्होंने वादा किया था कि हम 14 दिन में भुगतान कराएंगे, तो हमने 14 दिन के आश्वासन पर वोट दिया था ना, हमने लेट पेमेंट पे थोड़ा ही दिया था। अब अगला सीजन शुरू हो गया, लोकसभा में कल आंकड़ा दिया है, इसको पता नहीं भाई को, या तो इनके ये सारे मंत्री झूठ बोलते हैं। लोकसभा का आंकड़ा है कि 4,438 करोड़ रुपए अभी बकाया है उत्तर प्रदेश में पिछले सीजन का। या तो उनकी बात सही है या इनकी बात सही है, पहले ये फैसला कर ले अपना। और अगला सीजन का भी कितना हो गया है, और फैक्ट्री मालिक इनका बिल्कुल अंकुश नहीं है फैक्ट्रियों के ऊपर। गन्ना मंत्री मिल वाला कहता है, उसका डीएम कहता है मैं भुगतान करने में सक्षम नहीं हूँ, जो तुमको करना है मेरा कर लीजिए। तो इसका मतलब यह है उद्योगपतियों के दबाव में सरकार काम कर रही है। एक मिश्रा, ऑडियो आ रहा है मेरा आपको? किसान भाइयों की जो बात है, मैं बोलता हूं जो ये एक साल आंदोलन चला, एसी एयर कंडीशन टेंट थे, आज तक मैं तो बढ़िया कमाने वाला आदमी लेकिन एसी नहीं लगवा पाया हूं। एयर कंडीशन टेंट थे, 5-स्टार क्या विस्की वगैरह पता नहीं क्या क्या थे। तो मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी चीज भुगतान करके क्यों भारत सरकार के पीछे आप पड़े हो? आपको पैसों की कमी है क्या? सड़कों पे जो 10,000 ऐसी टेंट लगवा सकता है, अरे ग्रेटा थनबर्ग आपके साथ इतनी बड़ी रिच आदमी, मियां खलीफा जैसा एक्टर आपके साथ है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा की सरकार आपके साथ है, आपको पैसों की जरूरत है, इनको पूछो। अरे मिश्रा जी, लोकसभा में अपने राज उसमें मिश्रा जी ये लिखा है कि मैं खेती करता हूँ, राजनाथ सिंह ने खेती क्या, वो भी किसान नहीं है क्या? एक सेकंड, कैसे किसान है? अमित शाह जी के लड़के की, संदीप द्विवेदी ओनली, एक सेकंड संदीप मलिक, एक सेकंड मलिक साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, सबका ऑडियो नीचे प्लीज, पीसीआर सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे, एक सेकंड। भूदेव जी नारे नहीं, सिर्फ संदीप द्विवेदी, सिर्फ संदीप द्विवेदी। ठीक है, संदीप द्विवेदी का ऑडियो सिर्फ, सबका ऑडियो नीचे है, सबका ऑडियो नीचे है। मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं, सबका ऑडियो नीचे है, शांति से। भूदेव शर्मा, डिबेट को डिरेल मत करा करिए, आपकी आदत है डिबेट को डिरेल करने की। एक सेकंड रुकिए, संदीप द्विवेदी,
किसानों की मौत के आंकड़ों को लेकर बहस हो रही है। एक सेकेंड प्लीज मिश्रा जी, एक सेकेंड संदीप द्विवेदी, मेरा एक सवाल है आपसे। किसानों की मौत के आंकड़ों को लेकर रहस्य बना हुआ है, क्या वाकई किसानों की मौत नहीं हुई किसान आंदोलन के दौरान? क्योंकि सरकार ये कह रही है हमारे पास आंकड़े नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी तक राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र सरकार, संदीप द्विवेदी मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, प्लीज अपनी बात। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सभी राज्य, देखिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारें डाटा प्रोवाइड करवाती हैं, और अभी तक मुझे जहां तक जानकारी है कि किसी भी राज्य ने किसान आंदोलन में किसी भी तरह की डेथ की कोई इन्फॉर्मेशन केंद्र सरकार को नहीं दी है। और उसमें केवल हम यूपी की बात, हरियाणा की बात ना करें, उसमें राजस्थान भी है, पंजाब भी है, अदर स्टेट्स भी है। अगर पंजाब में, राजस्थान में भाई 700 का आंकड़ा है, तो केवल यूपी हरियाणा तो नहीं होगा ना, महाराष्ट्र भी होगा, पंजाब भी होगा, राजस्थान भी होगा, या अदर नॉन बीजेपी शासित राज्य भी होंगे। वो बता दें उन्होंने कितना आंकड़ा दे दिया। और अगर वो आंकड़ा नहीं दे सकते तो वो इसमें राजनीति में, इस मुद्दे को राजनीति में लेके मेरे पास सिर्फ एक, मैं एक मिनट लूंगा अपने सहयोगी से, कह रहा हूं एक मिनट लूंगा, ठीक है? एक सेकेंड। 5 फरवरी 2021, एके मिश्रा जी, मैं ले लूंगा आपसे आंसर, एके मिश्रा जी, हाँ जी 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 जी, सारे किसान नेता जिम्मेदार है, एके मिश्रा, देश को बर्बाद करने के लिए किसान जिम्मेदार है। ओके, मैं आपकी बात समझ गया, एक सेकंड रुक जाइए। मैं सवाल पूछ लू एके मिश्रा, एक सेकंड रुकिए। 5 फरवरी 2021 को किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि उसके पास कोई आंकड़ा नहीं है, गृह मंत्रालय ने बताया, एके मिश्रा प्लीज एके मिश्रा जी, ओके एके मिश्रा प्लीज, किसान जिम्मेदार है, मैं मान गया आपकी बात, देश को बर्बाद करने के लिए किसानों ने बर्बाद किया देश को, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि जो जवाब दिया गया जी, एके मिश्रा एक सेकंड, एके मिश्रा अच्छा लगता इस तरह क्यों? ओके एक सेकंड, चलिए मेरे पास वक्त की जरूरत नहीं, देख रहा, लेकिन रिकॉर्ड रखने का काम राज्यों का होता है। संदीप द्विवेदी आप ये कह रहे हैं, तो चलते चलते एक बात कह दूं, अपराध राज्य का सब्जेक्ट तो हो सकता है, लेकिन केंद्रीय अपराध शाखा ब्यूरो देश से आंकड़े जो बताती है, जो संसद के भीतर बोलती है, जिस पर जवाब देना पड़ता है, वो राज्यों से ही आते हैं साहब। एके मिश्रा जी, थैंक यू सो मच डिबेट को डिरेल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिबेट को डिरेल करने के लिए पूरी कोशिश की, थैंक यू सो मच। बुधे जी आपका भी, सभी जी आपका भी, शिल्पी जी आपका भी, और संदीप द्विवेदी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सवाल जिसके जवाब अभी बाकी थे, लेकिन आज एके मिश्रा ने कवरिंग फायर देकर बीजेपी को बचाने का भरकस प्रयास किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।